S400. आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज S400H. आज ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं. थैंक यू टू कार जंक्शन फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल. अगर मैं इसकी फ्रंट हेडलाइट के अंदर आऊँ तो उसके अंदर आपको इंडिकेटर की स्ट्रिप मिलेगी, एक DRL की स्ट्रिप मिलेगी, दो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगी और एक पार्किंग बल्ब मिलेगा. नीचे आपको क्रोम मिलेगा, ठीक है, पार्किंग सेंसर भी आते हैं. यहाँ पे आपको इसकी मर्सिडीज की ग्रिल मिलेगी क्रोम में और यहाँ पे उसका लोगो. इसके अंदर 4000 V6 हाइब्रिड इंजन आते हैं और इसके अंदर शॉक्स भी आते हैं. पीछे का टायर मिलेगा और 20 इंच के अलॉय रिम मिलेगा. साइड में मिरर आते हैं, वो आपको बॉडी कलर मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा, रिट्रैक्टेबल है और नीचे इसका आपको एक पेडल लैंप भी मिलेगा. इसके डोर हैंडल जो है उसके अंदर सेंटर हैंड लॉकिंग आती है. यहाँ पे आपको इसका क्रोम मिलेगा, नीचे भी आपको डोर के इसका क्रोम मिलेगा. इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलेगा, शार्किंग इन बीना मिलेगा. इसकी जो बैक हेडलाइट है उसके अंदर आपको लावा लैंप मिलेगा, एम के इंडिकेटर मिलेगा और रिवर्स लाइट मिलेगी. नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, यहाँ पे क्रोम ग्रिल मिलेगी. यहाँ से इसका ट्रंक ओपन होता है. ट्रंक के अंदर आपको काफी स्पेस मिलेगी और उसके नीचे भी आपको स्पेस मिलेगी, लेकिन इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता. सेक्शन डोर मिलेंगे, इंक्लूडर आते हैं डोर्स पे. यहाँ पे इसकी मेमोरी सीट का डोर साइड में लगी सेटिंग. यहाँ पे वुडन पॉलिश आती है इसको. यहाँ पे इसके डोर के अंदर आपको लॉक अनलॉक मिलेगा. सारी विंडोज के पावर है, ऑटो है. यहाँ पे इसकी साइड में लगी सेटिंग और नीचे बूट का बटन आता है. यहाँ पे आपको इसके सेंसर गियर आते हैं, पेडल शिफ्टर आते हैं, डिजिटल मीटर आता है, इसका पावर स्टेयरिंग आता है, एयर बैग्स आते हैं अंदर. यहाँ पे इसके वॉइस कमांड आ जाती है, यहाँ से आप इसका मीटर सेट कर सकते हैं. इसके अंदर जो है टच स्क्रीन आती है, एसी वेंट्स आ जाते हैं, क्लॉक आती है, फोर्स एंड क्लाइमेट कंट्रोल आता है. यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर आता है, वुडन पॉलिश आती है. यहाँ पे इसे आपको सामने सेट करने के लिए हीटेड सीट्स आती है. इसके अंदर आर्मरेस्ट आता है, इसमें आपको एयर सस्पेंशन की ऑप्शन मिलती है, स्पोर्ट्स मोड, कम्फर्ट मोड. यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स आता है, वो लॉक भी हो जाता है. ऊपर इसका रियर व्यू मिरर आता है, ऊपर लाइट आती है, सनरूफ की ऑप्शन आती है, इसके अंदर गॉगल्स रखने की जगह आती है, मिरर आता है, ऊपर एक LED लाइट आती है, ड्यूल सनरूफ आता है. यहाँ पे इसके AC वेंट्स आ जाते हैं. यहाँ पे इसके कप होल्डर आते हैं आर्मरेस्ट के अंदर, आर्मरेस्ट के अंदर कंपार्टमेंट आते हैं और आर्मरेस्ट के पीछे भी एक कंपार्टमेंट आता है, फ्रिज आता है. आपको एम्बियंट लाइट्स भी आती है और ऊपर भी आपको एक लाइट मिलेगी, साइड्स पे भी आपको लाइट मिलेगी और इसके अंदर एक मिरर भी आता है लाइट के. सीट के अंदर भी आपको एक कंपार्टमेंट मिलेगा, आपको मेमोरी सीट्स मिलेगी. यहाँ पे इसके कर्टन ओपन करने के, विंडो ओपन करने के और ये शेड ओपन करने के भी बटन आते हैं. आपको सिल पे ना लिखे गए दिखेगा जिसके अंदर आपको मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ दिखेगा.